वेलकम टू माय चैनल इंटरटेनमेंट वर्ल्ड 777। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत सी डिफरेंट सी रेसिपी, जो कि मोस्टली ये जो रेसिपी है ये बच्चों से रिलेटेड है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और चिकन का दलिया, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ा आता है। और ये दलिया जो है, ये बच्चे बड़े किसी भी एज के लोग हैं वो खा सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे खाना वगैरह नहीं खाते, रोटी नहीं खा सकते, तो वो इस दलिये को काफ़ी इंजॉय करके खा सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। और इसका बस ये है कि इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ये काफ़ी देर तक पकता रहता है और हल्की आंच पे पकता है। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने जो है वो चिकन लिया है, जो कि है 1 पाव। इसमें मैंने एक दरमियानी प्याज लेकर पहले चिकन को अच्छा सा मैंने फ्राई कर लिया है, ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा चिकन का जो कलर है वो आ जाए। तो ये देखें, ये चिकन जो है वो मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो ये मैंने आपका और अपना टाइम सेव करने के लिए पहले ही प्याज को ब्राउन करके इसमें मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने कूटे हुए मसाले कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखें, मैंने 1/2 किलो जो है वो मैंने दलिया लिया है, और उसमें मैं 1 पाव जो है वो चिकन ऐड कर रही हूँ। और दलिये को पहले मैं थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लूँगी, भून लूँगी, ताकि मतलब इसके अंदर से कोई स्मेल वगैरह हो, तो वो दलिये की कपनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लूँगी मैं। और इसमें जो मैं डाल रही हूँ जो आलू हैं वो 3 हैं, ये देखें, ये 3 आलू मैं इसमें ऐड करूँगी, 2 टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें जो कुटी हुए मसाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 मैंने जो है वो लाल मिर्च ली हैं, देगी मिर्चें 3 ली हैं, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 आपके सामने दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें हैं, 6-7 जवें जो हैं वो लहसुन की हैं, 1 पीस जो है वो अदरक का है, 1/2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है, और 1/2 टीस्पून ही जो है वो सूखा धनिया है। इन सबको हम कूट लेंगे, कूट के फिर हम इसी चिकन में इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें जो है वो आलू और टमाटर जो हैं बाद में ऐड करेंगे। अब मैं ये आपको सारा बताती जाती हूँ कि कैसे कैसे बनाना है, पहले मैं इन चीज़ों को कूट लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने जो आपको दिखाए थे वो मैंने सारे मसाले जो हैं वो कूट लिए हैं, और वो इस फॉर्म में आ गए हैं। तो इसको अब मैं इसी चिकन के अंदर ऐड कर देती हूँ। तब तक हम इन मसालों को पकाते हैं, ये चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं इनको। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें स्पाइसेस जो हैं वो कितने कितने ऐड करने हैं। तो ये हम बना रहे हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, तो हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि हम इतना जो है वो स्पाइसी नहीं खाते, तो लेकिन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अब ये जो मैं आपको स्पाइसेस बताने लगी हूँ, ये हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये जो मैं नमक इसमें ऐड करूँगी ये है 1 टेबल स्पून, और ये जो हल्दी है ये है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी ली है, और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने लाल मिर्च ली है कुटी हुई। तो ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने पहले ही बताया कि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मैं तो इतने ही स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा ये ऐड करने के बाद, स्पाइसेस ऐड करने के बाद, हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर मैंने आपको दिखाए थे 2 टमाटर थे, तो टमाटर भी आप दरमियाने साइज़ के ले सकते हैं, लेकिन 2 टमाटर लाजमी ऐड करें, क्योंकि अच्छा टेस्ट आएगा। और थर्ड जो है वो मैंने आपको आलू भी दिखाए थे, 3 थे, और ये देखें इनका साइज़, मैंने इनको थोड़ा सा मोटा कट किया है, इसलिए क्योंकि इनको हमने दलिये में ऐड करना है, तो दलिया काफ़ी देर पकता है। तो ये जो आलू हैं, अगर हम थोड़ा सा मोटा इनको कट करेंगे
तो हमें इसी सूरत में, इसी शक्ल में खाने को मिलेंगे। अदरवाइज आप इनको छोटा कट करेंगे, बारीक कट करेंगे, तो ये दलिया में घुल जाएंगे और फिर मिक्स हो जाएंगे और आप नहीं खा पाएंगे इस तरह की शक्ल वाले। तो चलिए हम जो हैं अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करते हैं। वो मैंने मसाला जो था वो ऐड कर दिया था, जो मैंने आपको कुटा हुआ मसाला दिखाया था वो ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब हम इसी दौरान ही हल्का सा मैंने उसको भून लिया है। अब मैं इसमें जो है अपना टमाटर ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं टमाटर को सॉफ्ट करती हूँ और मैं अब आँच को थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो चिकन है वो नीचे लग रहा था पैंदे पे, तो मैंने थोड़ा सा आँच को कम कर लिया था। अब मैंने टमाटर ऐड कर लिए, क्योंकि टमाटर अपना भी पानी जो है वो थोड़ा सा छोड़ेंगे तो ये अब जो है वो बैलेंस हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है उन मसालों की जो मैंने इसमें कूट कर ऐड किए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी आ रही है। शक्ल भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लग रही है। स्पाइसेस मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, थोड़े से मेरे टमाटर सॉफ्ट होंगे फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो दूसरी तरफ हम दूसरे चूल्हे के ऊपर जो हमारा दलिया है उसको हल्का सा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसको थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे, तो बिना किसी ऑयल के हम इसको जो है वो रोस्ट कर लेंगे। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये फिर ज़्यादा डार्क सा कलर, ब्राउन कलर और ब्लैक सा कलर इस पे आना शुरू हो जाएगा, जो कि दलिये के टेस्ट को जो है ना वो ख़राब कर देता है। आपने बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर ये जो सफ़ेदपन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और लाइट ब्राउन ब्राउन सा इसका कलर हो जाए। तो जी व्यूअर्स, अब मेरे थोड़े से टमाटर जो हैं वो पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं कह रही हूँ कि इन स्पाइसेस को भी इसके साथ ही डाल देती हूँ ताकि ये जो काम है ये साथ ही साथ होता रहे। टमाटर जो हैं वो अब और ज़्यादा सॉफ्ट होते रहेंगे। तो चिकन पहले फ्राई करने का ये मतलब था कि चिकन मज़ीद ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट भी हो जाए, फ्राई भी हो जाए और इसके अंदर की जो हीक सी आती है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे दलिये में से हीक ना आए। तो मैं बनाती रहती हूँ तो बहुत यमी बनता है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं इसे। ये देखें, बिल्कुल जैसे आप मतलब घर में डेली सब्जी वगैरह बनाते हैं सेम मेथड वही है, लेकिन ये है कि ये चीज़ बहुत कम घरों में बनती है। तो इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। एक और भी इस स्टेप पे हम काम कर सकते हैं कि हम इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसमें ना हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, और फिर इसमें मैं करूँगी अपने आलू ऐड। और दूसरी तरफ मैं देखती हूँ अपने दलिये को भी साथ ही साथ चम्मच चला रही हूँ ताकि वो नीचे ना लगे। इसको वैसे तो मैं बहुत ही लाइट आंच पे कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे, और अभी तक तो ये बहुत अच्छा रोस्ट हो रहा है, नीचे नहीं लगा और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, शुक्र है ये अच्छा सा हो रहा है। अब मैं फिर आती हूँ इस तरह। अब मैं इस स्टेप पे क्या करूँगी कि मैं इसमें थोड़ा सा इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें अपने जो आलू हैं उनको ऐड कर दूँगी, ताकि आलूओं को भी हमने तकरीबन 3-4 मिनट जो है वो भूनना है। मैं तो ये आलू और चिकन वाला ही दलिया बनाती हूँ, या कभी कभार इसमें सर्दियों में इसमें मटर भी ऐड कर लेती हूँ। और ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर चिकन वाला नहीं बनाना चाहते आप सेम यही वाला मेथड इस्तेमाल करके, ये है कि बीफ या मटन है तो पहले उसको आप उसको बॉईल करेंगे, उसको अलग, तो उसको बॉईल करने के बाद आप फिर उसका वो ये सारा जो मैंने अभी किया है चिकन वाला
प्रोसेस आप तब करेंगे, क्योंकि चिकन जो है इसको तो बॉइलिंग की ज़रूरत इतनी नहीं होती, तो इसको तो मैंने फ्राई करके कर लिया। लेकिन अगर आप बीफ या मटन वाला बनाते हैं तो उसको तो अलग से आपको बॉईल करना पड़ेगा। और उसका ये है कि आप जो जिस पानी में उसको बॉईल करेंगे, आपने उसकी यखनी को वेस्ट नहीं करना। आपने यूँ भुनी बनाकर उसमें आलू डालकर, और वही वाला जो जिसमें आप बॉईल करेंगे मटन या बीफ को, उसी पानी को आप इसमें वापस ऐड कर देंगे और दलिया जो है इसमें डाल देंगे। उससे भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, बल्कि डबल अच्छा आता है। तो लास्ट टाइम मैंने बनाया था बीफ का, तो वो रेसिपी मैंने नहीं डाली, वो मैंने घर में बनाया था बड़ा जल्दी जल्दी। आज भी कोई आइडिया नहीं था इसको चैनल पर डालने का, लेकिन बस एकदम से अचानक से ख्याल आया कि ये एक अच्छी चीज़ है और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जी ये देखिए व्यूअर्स, ये मुझे आलू भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और देखें कितनी अच्छी सी शक्ल इसकी आ गई है। आलू भून चुके हैं, तो अब जो है वो मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, और नेक्स्ट दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको हल्का सा भून लिया है, भून के मैंने इसको साइड पे रख दिया है। अब जो है वो मैं इसमें आलू और चिकन में जो है वो पानी ऐड करूँगी। तो ये जो मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मैंने लिया है 4 ग्लास पानी है इसमें। तो आप इसमें जो है वो 8 ग्लास पानी जो है वो दलिया में ऐड करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि ये हल्की आंच पे पकता है, जितना हल्की आंच पे आप इसे पकाएंगे इसका उतना ही ज़्यादा टेस्ट डेवलप होता जाएगा। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये दूसरा जग भी ऐड कर दिया मैंने इसमें पानी का। तो अब मैं थोड़ा आंच को ऊंचा कर देती हूँ और एक उबाल आने देती हूँ। जैसे ही उबाल आएगा तो मैं इसमें जो है वो दलिया ऐड कर दूंगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी सारे उबाल आना शुरू हो गए हैं, मतलब अब हम इसमें जो है अपना दलिया जो है वो ऐड करेंगे। तो जब इस तरीके से उबाल आने लग जाएं, तो यहाँ पे आप अपना नमक जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक में कोई कमी पेशी नज़र आए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं जो है वो भुनाई के दौरान जो है वो साबुत जो ज़ीरा है वो डालना भूल गई थी, तो ये मैं अभी डाल रही हूँ। ये जो मैं डाल रही हूँ ये मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये जो मैंने भून लिया था दलिया, वो मैं अब इसमें कर दूंगी ऐड। और अब ये पकता रहेगा हल्की हल्की आंच पे। मैं जो आंच है वो उसको बिल्कुल जो है वो स्लो कर दूंगी। अब ये स्लो आंच पे पकता रहेगा, तो इसे तो अभी पकने में काफ़ी देर है। तो ये हम अपने खाने के लिए ही बना रहे हैं, तो हमने ये खाना है। तो उस इस बीच में जो है वो हम जो चाह रहे हैं कि हम आपको एक और चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स का और फ्रूट सैलेड बनाने लगे हैं, तो अभी दोपहर में हम वही खाएंगे। तो अब चलते हैं उसकी तरफ, हम आपको वो दिखाते हैं कि वो हम कैसे बनाते हैं। जब है हमारा सैलड खाने का टाइम, सैलड बना रहे हैं तब तक, यानी कि जब तक हमारा दलिया पकेगा तब तक हमें कुछ ना कुछ तो खाना है। तो हमने उस दरमियान में ये सैलड बना रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक मैंगो है, एक पीस है गैपिच का, और ये दो कोकम्बर, एक बीटरूट का पीस, और कुछ जो है ना मैंने लीची रखी है। इन सबको भी मैं काट के चॉप करूँगा। चॉप करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, फिर हम मज़े से खाएँगे इसको। व्यूअर्स, हमारा सैलेड रेडी है और बहुत ही खूबसूरत इसकी पिक्चर देख के ही दिल करता है कि इसको इंसान खाए। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि यह बहुत बड़ा आपका ब्लड बैंक का सोर्स है, यानी कि जिसको आपको डेली अपने खाने में यूज़ करें। आपके अगर ब्लड की कमी है, स्किन के कोई डिहाइड्रेट स्किन है, या आपको स्टमक का इश्यू है, आप इसको खाएं रेगुलर, 1 वीक खा के देखें, आपको ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट्स जो है ना आप खुद मिलेंगे। आप खुद कहेंगे कि यार बड़ी अच्छी रेसिपी आपने बताई है।
आपकी पिगमेंटेशन अगर किसी को है तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही आला ये चीज़ है। इसको आप डेली अपने दोपहर की डाइट में यूज़ करें, दोपहर का हो सके तो खाना स्किप करें, पेट भरकर ये वाला जो है ना ये खाएं अपना ये वाला सैलड। इसमें हमने फ्रूट्स इसलिए ऐड किए हैं कि फ्रूट से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों को खाली वेजिटेबल खाने में दिक्कत होती है, नहीं खा पाते, तो उसमें अपने मौसमी अपने जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी है मैंगो है, लीची हमने ऐड किया, तो उसको खाएंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एडिशनली इसमें यह है कि अगर आप नहीं खा सकते इसको प्लेन, तो इसमें दो चीज़ों का आप ऐड कर सकते हैं, या तो इसमें आप काला नमक ऐड कर लें थोड़ा सा, या इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लें। अगर आप इसको सिंपल खाएंगे तो ये ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है, और अगर नहीं खाया जाता तो आप इसमें ये दोनों चीज़ों में से कोई भी ऐड करके लेकिन लाइट क्वांटिटी में ऐड करें और इसको खाएं। और इसके साथ आप अपने फिर अपने फीडबैक में बताएं आपको कैसा इसके रिजल्ट्स मिले हैं, कितना अच्छा इसका फ़ायदा हो रहा है आपको। मैंने भी और ये मेरी मिसेज ने भी हमने अपने डेली रूटीन में इसको शामिल किया है और हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोपहर को हम इसको पेट भर के खाते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं साथ उसमें खाते हैं, और इसको शाम में हम जब खाने का टाइम होता है हमें 2 घंटा पहले ही भूख लगती है। बड़ा अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा। आपको भी हम रिकमेंड करें कि आप ये लाजमी यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि नेचुरल चीज़ें हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये देखिए मेरा जो दलिया है चिकन और आलू का, वो बिल्कुल पककर रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना यकजान हो गया है, और इसके अंदर जो आलू मैंने डाले थे वो भी आप देख सकते हैं कि उनका साइज़ वैसा ही है जैसा मैंने काटा था। इसीलिए मैंने इस साइज में इनको काटा था ताकि आलू जो हैं वो घुले नहीं, लेकिन जो चिकन है हमारा वो इसके अंदर अच्छे से घुल चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन कितना अच्छे से इसके अंदर घुल चुका है। तो अब टाइम आता है इसकी गार्निश का, तो इसकी मैं करती हूँ गार्निश, आपको करके दिखाती हूँ। और दिखने में तो ये बहुत ही औसम और यमी लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी यकजन हो के बना है, और तकरीबन मैंने इसको 2.5-3 घंटे जो है वो लाइट फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। तो अब मैं करती हूँ गार्निश धनिए की, क्योंकि धनिए के बगैर तो कोई भी चीज़ है उसमें जान नहीं आती। जब तक एंड पे हम गार्निश ना करें तो जो जो भी बनाते हैं हम वो बेजान सी लगती है चीज़, ये देखें। और इस दौरान में, इसके पकने के दौरान में मैं मतलब थोड़ी देर के बाद आती रही हूँ, चमचा चलाती रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। और सेकेंडली मैं इसमें चेक करती रही हूँ नमक को भी, क्योंकि नमक जो है वो हमारे टेस्ट के लिहाज से भी कम हो गया था। तो मैं बीच में टेस्ट करके तो मैंने इसमें जो है नमक और ऐड कर दिया था, तो ये काफ़ी अच्छा और यमी बन गया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली हमें जो है आप मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, हिफाजत में रखे। जैसे कि आजकल कोरोना का मसला चल रहा है, ये एक बहुत गंदी वबा है, खुदा आप सबको इससे महफूज रखे, और आप खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।